फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स आज हम कीमोजेनेटिक थ्योरी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखो, हम इवोल्यूशन इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और इवोल्यूशन इस टॉपिक से आज हमें देख रहा है हमारा अनदर टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसी पॉइंट के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। और हमारा आज का पॉइंट है स्टूडेंट जो कीमोजेनेटिक थ्योरी। कीमोजेनेटिक थ्योरी नाम सुनते ही हमारे माइंड के अंदर एक छोटा सा क्ल्यू मिलता है और जो क्ल्यू है वो है केमिकल का। यानी कि इस थ्योरी का नाम अगर कीमोजेनेटिक है तो ये थ्योरी केमिकल के बेसिस पे तो नहीं चलेगी। डियर स्टूडेंट, आपका क्ल्यू और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये थ्योरी केमिकल के बेसिस पे ही चलने वाली है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के थ्योरी की। अब देखो, इसी थ्योरी से हमें पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन आने की वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी टॉपिक का। चलो देखते हैं थ्योरी को। कीमो जेनेटिक थ्योरी, ठीक है। अब इसी थ्योरी को मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी भी हम कहते हैं या फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसी नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। अब कीमोजेनेटिक थ्योरी को हम थ्री डिफरेंट सब फॉर्म में डिवाइड करेंगे, थ्री सब फॉर्म्स। उनमें से सबसे फर्स्ट वाला जो फॉर्म है वो है कीमोजेनी। कीमोजेनी के बारे में हमें डिस्कस करना है, कीमोजेनी के बाद बायोजेनी के बारे में डिस्कस करना है और बायोजेनी के बाद हमें डिस्कस करना है कोजिनोजेनी। इन तीनों फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कीमोजेनी, बायोजिनी और कोजिनोजिनी, इसी तरह से थ्री सब फॉर्म्स के अंदर हम इस थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कीमोजिनी के बारे में। अब कीमोजिनी के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है स्टूडेंट, देखो कीमोजिनी यानी कि हमें केमिकल्स के बारे में देखना है। हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी कंडीशंस थे उन सब कंडीशंस के अंदर केमिकल्स का इम्पोर्टेंट कैसा है और किस तरह से केमिकल रिस्पॉन्सिबल थे अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए। तो देखो, अर्थ के ऊपर जो कंडीशंस थे उसी के अंदर सबसे फर्स्ट वाली थी हाई टेम्परेचर, ये हमने कल ही देखा है। हाई टेम्परेचर के अंदर हम बता सकते हैं नियर अबाउट 600 to 800 degrees तक टेम्परेचर वहाँ पर था और यही टेम्परेचर फेवरेबल नेचर क्रिएट करता था लाइफ फॉर्म के लिए, यह हमने कल देखा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन थी वो थी गैसेस, और गैसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। गैसेस के अंदर लाइट गैसेस का एग्जांपल हमने लिया था, उसके अंदर मीथेन था, NH3, उसके बाद हाइड्रोजन भी, वाटर वेपर्स भी, वाटर वेपर के बाद हेलियम, इतने सारे गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट थे और यही गैसेस रिस्पॉन्सिबल थे केमिकल फॉर्मेशन के लिए, यही हमें इसी थ्योरी के अंदर बताना है। देन स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर है, गैसेस है, अब दोनों रहने की वजह से एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। अब एनर्जी की ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर रेज थे, ये भी हम कल देख चुके हैं। जो रेज थे उन्हीं रेज के अंदर यूवी रेज थे और इन्हीं की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। यानी कि कल मैंने आपसे कहा फोटोकेमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, लाइट एनर्जी की वजह से रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं और वही रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद ही एनर्जी मिलती है। तो उसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है और यही एनर्जी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वहाँ पर लाइफ प्रोड्यूस हो रही थी, ये भी हमको वहाँ पर पता चला। अब उसके बाद देखो, इतने सब कुछ कंडीशंस वहाँ पर रहने की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ था वो हुआ था सिंपल मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए और कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स थे स्टूडेंट, तो इनमें से सबसे फर्स्ट वाला सिंपल मॉलिक्यूल था। जिस सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें
सिंपल से कंपाउंड मिले, सिंपल से कंटेंट प्रेजेंट रहने वाले मॉलिक्यूल्स वहां पर मिले, और उन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट शुगर मिल गई, उसके बाद एल्डिहाइड मिल गया, उसके बाद प्यूरिंस पिरिमिडिंस मिलता है, और इस तरह से ये सब सिंपल मॉलिक्यूल वहाँ पर मिल रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे फर्स्ट, देखो सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर शुगर मिलती है, शुगर के बाद क्या मिलेगा, शुगर के बाद मिलेगा एल्डिहाइड, और उसके बाद नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, नाइट्रोजन बेसिस के अंदर हम सबको पता है प्यूरिंस है, पिरिमिडिंस भी है, ठीक है, ये सिंपल सी बात वहां पर पता चलती है। अब इतने सारे सिंपल मॉलिक्यूल मिल गए, अब ये कीमोजेनी थ्योरी का हमें मिले वाला कुछ इंफॉर्मेशन था। अब उसके बाद कीमोजेनी थ्योरी के बाद यही मॉलिक्यूल बायोजेनी थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बायोजेनी थ्योरी के अंदर क्या होता है, बायोजेनी थ्योरी के अंदर सिंपल सी बात है, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से, उसके एग्जांपल क्या है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जांपल हम लेने वाले हैं डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए, तो उसी का फॉर्मेशन हो गया बायोजेनी के अंदर। उसके बाद आरएनए भी बनता है, आरएनए जो बनेगा वो डीएनए से बनेगा, यानी कि आरएनए भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, यानी कि इतने सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पर मिल रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पर मिल रहे हैं, और ये सभी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। अब इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहेंगे, हम सबको पता है डीएनए के अंदर देखो डिफरेंट कॉम्पोजिशन दिखाई देता है, जैसा कि नाइट्रोजन बेसिस है डीएनए के अंदर, सिंपल सी बात है, शुगर भी है फ्रेंड्स इसी के अंदर, और शुगर के बाद इसी के अंदर हमें फॉस्फेट ग्रुप भी दिखाई देता है, यानी कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल का कंपोजिशन नज़र आता है, तो उसलिए इस मॉलिक्यूल को हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आ गए समझे, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो आरएनए का भी कंपोजिशन हमने देखा, जिसके अंदर पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेसिस है, और फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद जो प्रोटीन मिलते हैं वो तो कंपोजिशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड का कंपोजिशन है, ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड जिसे हम प्रोटीन कहेंगे, ये प्रोसेस वहाँ पर चलती है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन हम उसे कहेंगे, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ये सिंपल सी बात हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कंप्लीट की थी फ्रेंड्स, ठीक है। आज उसी बात को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, सिर्फ हम इतना बता रहे हैं बायोजेनी थ्योरी के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, और कीमोजेनी के अंदर जो कंडीशंस प्रेजेंट थे उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि कीमोजेनी के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और बायोजेनी के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ये बहुत आसान सा पॉइंट है। उसके बाद हम चलते हैं कोजिनोजिनी की तरफ, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोजिनोजिनी की तरफ चलेंगे। अब देखो कोजिनोजिनी के अंदर बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी है, इसके अंदर सिर्फ एक ही बात हम कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइफ के ऊपर जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था वो किस प्रकार से आया और कौन सा आया। जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो तो प्रोटोबायंट्स है, लेकिन उसी के अंदर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए हम उसे कोसिरोवेट के फॉर्म में देखते हैं। और जब ये कोसिरोवेट के फॉर्म में आएगा तो कोसिरोवेट हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूसिंग, उसके अंदर रिप्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी है कोसिरोवेट के अंदर, और कोसिरोवेट के अंदर रिप्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब स्टूडेंट कोसिरोवेट इट इज द वन ऑफ द लाइफ फॉर्म, ठीक है, तो लाइफ फॉर्म वहाँ पर फॉर्म हो गया, ये सिंपल सा प्रूफ मिल गया। अब चलो कोजिनोजिनी को कंप्लीट करते हैं, अनदर थ्योरी को, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाएंगे, कोजिनोजिनी की तरफ बढ़ेंगे। अब कोजिनोजिनी के अंदर क्या होता है, कोजिनोजिनी के अंदर हम सबको पता है जो प्रोटीन्स हमें मिले हैं स्टूडेंट, को जीनो
जीनी, जो प्रोटीन्स हमें मिले हैं उसी प्रोटीन्स से ब्रॉथ भी हमारे पास था। जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया तो जो भी लिक्विड फॉर्म में आए वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन मिलते हैं तो उसे ब्रॉथ कहेंगे, और वही ब्रॉथ रिस्पॉन्सिबल है लाइफ फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन्स प्लस ब्रॉथ दोनों का कंपोजिशन मिलता है तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म मिलेगा, और जो मिलेगा वो प्रोटो बायोंट्स है स्टूडेंट। अब प्रोटोबायोंट से लाइफ फॉर्म हम कहेंगे, लेकिन इसके अंदर रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं है स्टूडेंट, मीन्स इट डू नॉट हैव रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, मीन्स ये रिप्रोड्यूसिंग नहीं बता सकता है, रिप्रोड्यूसिंग नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसे अभी तो लिविंग नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोटोबायोंट्स जो है इसी का थोड़ा डेवलपमेंट चलता है, और इसी का थोड़ा डेवलपमेंट होकर ये बनता है यूबायोंट्स, बायोंट्स। अब यूबायोंट्स बनेगा तो यूबायोंट्स का भी डेवलपमेंट होता है और बनेगा कोसिरोवेट। अब जब कोसिरोवेट्स बनेगा तो कोसिरोवेट्स के अंदर रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। अब जब ये रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बताता है तो इट इज वन ऑफ द लाइफ फॉर्म विच हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, मीन्स एक लाइफ फॉर्म है जिसके अंदर रिप्रोड्यूसिंग की कैपेसिटी है, ये सिंपल सी बात हमें पता चलती है। अब कोसिरोवेट अगर लाइफ फर्स्ट फॉर्म है तो स्टूडेंट इसी के कैरेक्टर्स भी हमें देखना है जो एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं, तो देखेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स किसके देखने हैं हमें कैरेक्टर्स? कोसिरोवेट्स के, कोसिरोवेट्स, ठीक है। अब देखो कोसिरोवेट्स के कैरेक्टर्स हमें वहां पर देखना है। सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर है कोसिरोवेट का जो अनएरोबिक है स्टूडेंट। अनएरोबिक का मतलब क्या है? जो रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है वो रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर में हो रही है, यानी कि मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाला ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं था। अब मॉलिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाला ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ पर रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, मीन्स अगर रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर वहाँ रहेगा, मॉलिकुलर फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आने वाला जो भी लिविंग फॉर्म है वो एनएरोबिक ही रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद यही लाइफ फॉर्म कीमो हेटेरोट्रॉप्स था, और यही लाइफ फॉर्म कीमो एटोट्रॉप्स था। अब सिंपल सी बात है, ये कीमो एटोट्रॉप्स क्यों है और कीमो हेटेरोट्रॉप्स क्यों है, पहले हम पॉइंट लिखेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। क्या है कीमो एटोट्रॉप्स, इसका मतलब क्या होगा? कीमो एटोट्रॉप्स मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन होने वाला फोटोसिंथेसिस कैसा रहेगा? अनऑक्सीजेनिक रहेगा। क्या रहेगा? अनऑक्सीजेनिक। और जब ये कीमोएटोट्रॉप्स रहेगा, सॉरी कीमो हेटेरोट्रॉप्स रहेगा, तो क्या हो गया? तो केमिकल्स यूज करेगा फूड के लिए, क्या यूज करेगा? केमिकल्स यूज करेगा फूड के लिए। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये कीमोजेनेटिक थ्योरी हमें बताती है। कीमोजेनेटिक थ्योरी के अंदर हमने सबसे फर्स्ट क्या देखा, इसे हम मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी को हम थ्री सब फॉर्म्स के अंदर डिवाइड कर चुके हैं। जो फर्स्ट फॉर्म था कीमोजेनी, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से किस प्रकार से केमिकल्स फॉर्म होते हैं वो हमने बताया। केमिकल्स से हमें सिंपल मॉलिक्यूल मिल गए, और वही सिंपल मॉलिक्यूल बायोजेनी थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद बायोजेनी थ्योरी हमने देखी, बायोजेनी में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, और उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर हमने एग्जांपल लिया डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, उसके बाद प्रोटीन्स, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में,
यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। उसके बाद कोजिनोजिनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। कोजिनोजिनी थ्योरी हमने देखी तो हमें पता चला किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से हमें फर्स्ट लाइफ फॉर्म मिल चुका था, और जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था वो था हमारा प्रोबायोट्स। प्रोटोबायोट्स जो था उसे हम नॉन रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी रहने की वजह से फर्स्ट लाइफ फॉर्म नहीं कह रहे थे। हम फिर कोसिरोवेट को देखे, कोसिरोवेट को देखने के बाद हमें लाइफ फॉर्म मिल गया, और उसके कुछ कैरेक्टर देखे जो एनएरोबिक थे, उसके बाद कीमोएटोट्रॉपिक थे, और उसके बाद कीमोहेटरोट्रॉपिक भी नेचर उसी के अंदर था। अब हमें देखना है एक्सपेरिमेंट, उरे एंड मिलर इन्हीं का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसे कंटिन्यू करते हैं, शुरुआत करते हैं। उरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है स्टूडेंट, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे और आगे भी आने के चांसेस है। बोर्ड एग्जाम के लिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छी तरह से वेटेज दिए वाला है। इसी एक्सपेरिमेंट से डायग्राम पूछने के चांसेस होते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं उरे एंड मिलर इनके एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट उरे एंड मिलर इनके एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, इनके एक्सपेरिमेंट से हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट की। सबसे फर्स्ट राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, और जो राउंड बॉटम फ्लास्क है वो हमने यहाँ पर लिया है। इसी फ्लास्क को हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक इस तरह से आए वाला, एक इस तरह से आए वाला, दोनों इलेक्ट्रोड से इसे कलेक्ट किया। इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हमने दे दी। अब देखो एक्सपेरिमेंट को असेंबल करते हैं, तो यहाँ से एक ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, जो ट्यूब इस तरह से कंटिन्यू हम निकालेंगे। अब देखो ये जो ट्यूब हमने निकाली है वो ट्यूब को इधर कंटिन्यू करने वाले हैं हम, ठीक है। थोड़ा डायग्राम हमें सिस्टमेटिक निकालना है, थोड़ी अच्छी डायग्राम निकालना है, क्योंकि डायग्राम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम भी क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के लिए, तो इसलिए डायग्राम में बहुत परफेक्शन होना ज़रूरी है, लेबलिंग भी अच्छी होना ज़रूरी है, जो हमारे मार्क्स देने वाली है स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से ये ट्यूब निकाली हमने, आ गया समझ में। अब देखो इसी ट्यूब को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करके ट्यूब को जोड़ देते हैं सीधा कहाँ पर, जो फ्लास्क हमने लिया है उसी फ्लास्क को जोड़ देते हैं ट्यूब को। अब हम यहां पर इसे डार्क करेंगे। अब देखो स्टूडेंट जो हमने डायग्राम ड्रॉ की है उसी के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट को असेंबल बताया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में अभी तो हमने सिर्फ ट्यूब, और उसके बाद ट्यूब के बाद रही बात जो कौन सी फ्लास्क की, इन दोनों को ही कनेक्ट किया है। अभी तक हमने फ्लास्क के अंदर कुछ कंटेंट नहीं लिया, और उसके बाद हमने कंडेंसर भी नहीं जोड़ा, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि डायग्राम फर्स्ट टाइम हम इसी आउटलाइन बनाएंगे और डायग्राम कंप्लीट करेंगे, और डायग्राम कंप्लीट करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डायग्राम से हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम भी क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद डायग्राम के असेंबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी तो उसी के बारे में हमें नीट एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो सिर्फ हम किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट असेंबल किया था ये हमें पता होना ज़रूरी है। अब देखो ये सिंपल सा हमने डायग्राम निकाला, डायग्राम सिंपल सा निकालते हैं, तो फ्लास्क के साथ फ्लास्क हमने यहाँ पर निकाला, फ्लास्क के साथ हमें फ्लास्क के अंदर कुछ कंटेंट्स दिखाना है। फ्लास्क के अंदर क्या है स्टूडेंट, अभी यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमने इलेक्ट्रोड से दे दी, इसलिए हम इसे लेबल करेंगे इलेक्ट्रोड्स, ये है इलेक्ट्रिसिटी,
उसके बाद ये फ्लास्क है, और फ्लास्क के अंदर जो कंटेंट्स थे उन्हीं कंटेंट्स के अंदर लाइट गैसेस से, जैसा फर्स्ट वाला NH3 हमने लिया, उसी NH3 के बाद यहाँ पर हमने मीथेन भी लिया और हाइड्रोजन लेंगे। इसी तरह से तीनों गैस को वहाँ पर लिया था। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। अब जो गैसेस कंपोजिशन है स्टूडेंट, वो तीनों गैसे इन्हीं का रेशो भी वहाँ पर हमें देखना है। अब रेशो एग्जाम में पूछा था, रेशो क्या था, 2:2:1, इस सिंपल सी बात है, उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब इतना होने के बाद यहाँ पर कनेक्ट करना है हमें कंडेंसर, हो गया कंडेंसर कनेक्ट कर दिया हमने। अब कंडेंसर तो कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो करना है वो कितनी देर तक करना है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है और इसके ऊपर पूछने के भी चांसेस है एग्जाम में कि एक्सपेरिमेंट कितने दिन कंडक्ट किया था। कौन बता सकता है, आप में से अगर कोई बता सकता हो तो बता सकते हो, कितने दिन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो बता सकते हो, कौन बताएगा। चलो मैं ही बताता हूँ, देखो एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किया था वो 7 डेज के लिए था, कितने दिन तक था, 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कंडेंसर बिठाया, इसे डार्क कर लेंगे थोड़ा, डायग्राम हमें परफेक्ट निकालना है क्योंकि ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, और वो पूरा भी करना है हमें, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्रेंड्स, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये डायग्राम का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जैसा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम CET होती है, नीट भी है, इन सभी के लिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब देखो कंडेंसर यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ से थोड़ा आउटलेट निकालेंगे कंडेंसर का, ठीक है। अब इसके बाद इसे लेबल करेंगे, ट्यूब है यहाँ पर, कंटेंट्स है, और यहाँ पर हमने हीटर दी वाला है, हीटर बिठाए वाला है, यानी कि यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किया है जो हीट को सपोर्ट करता है। अब देखो स्टूडेंट, सीधा कंटेंट इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के तौर पर है। अब जो रेशियो है वो 2:2:1 है। इतना सब असेंबल करने के बाद अगर जब हम यहाँ से जो कंटेंट है उन्हीं कंटेंट को एनालिसिस करेंगे, जो कंटेंट है वो थोड़ा बाजू को लेंगे, हम इन कंटेंट्स को बाजू को लेते हैं, और कंटेंट्स को बाजू को लेने के बाद हम उस कंटेंट्स को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट जो मिलेगा उस रिजल्ट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के गैसेस और कंपोजिशन, सॉरी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स और डिफरेंट टाइप के कंपोजिशंस मिलने वाले। कौन से कंपोजिशंस मिलेंगे, सबसे फर्स्ट वहां पर हमें कुछ एसिड्स मिलेंगे, एसिड्स के बाद नाइट्रोजन बेसिस मिलेंगे, नाइट्रोजन बेसिस के बाद एल्डिहाइड भी मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद हमें शुगर मिलने वाली है। इस तरह से डिफरेंट टाइप के कंपोजिशंस वहां पर मिलेंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट जो था वो 7 डेज के लिए था, और रिजल्ट्स के अंदर कंपोजिशन मिल गए हमें प्यूरिंस, पिरिमिडिंस, उसके बाद अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, शुगर मिलेगी, और शुगर मिलने के बाद यहाँ पर हमें ग्लाइसिन मिलेगा जो अमाइनो एसिड के अंदर हमने लिया है, ग्लूटामिक एसिड मिलेगा, एसिड मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमें
केमिकल कंपोजिशंस वहाँ पर मिलते हैं। तो ये सिंपल सा रिजल्ट हो गया। यहाँ पर क्या पता चला हमको कि जो भी गैसेस थे, जो भी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थे, उन्हीं कंडीशंस से हमें सिंपल मॉलिक्यूल मिलते हैं, और यही सिंपल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आज के लिए हम